नमस्ते। तो आज का टॉपिक है हॉन्टेड रोड से सावधान रहना, और ये आज मैंने टॉपिक निकाला है। और जैसे कि अभी देख सकते हैं वीडियो में कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, और ड्राइव करते वक्त मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है इससे मैच भी करता है ड्राइविंग से, तो इसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इस चीज़ को बताना। अब जैसे कि टॉपिक में सबने सुन ही लिया है, टॉपिक से पता ही चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं उन लोकेशंस की, मैं बात कर रही हूँ। जैसे अगर तुम ड्राइव कर रहे हो, स्पेशली नाइट टाइम में, रात के समय पे अगर ड्राइव कर रहे हो, और ऐसी कई कहानियां कई बार किसी पर्टिकुलर रोड के बारे में, या फॉर दैट मैटर किसी टिपिकल हाईवे के बारे में सुनी हो कि इस हाईवे में कोई नेगेटिव एनर्जी है, या कोई ऐसा यू नो सुपर नेचुरल चीज है जो आपको फॉलो करती है या आपको तंग करती है फॉर दैट मैटर, तो सावधानी से इस चीज़ को आप उस पर्टिकुलर रोड पे चलाना चाहिए, या वहाँ पे कोई अगर छोटा सा मंदिर है या कोई पेड़ है फॉर दैट मैटर। ये सब कहानियाँ, अलग अलग कहानियाँ सुन रखी होती हैं कई जगहों पे कई लोगों ने। अब कुछ लोग होते हैं जो इस पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस पे बिलीव नहीं करते। और जैसे कि मैंने अपनी हर किताब में एक स्टेटमेंट मैं ज़रूर लिखती हूँ कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, दैट मीन्स इफ गॉड एग्जिस्ट देन डीमन ऑल्सो एग्जिस्ट। तो मैं ये मेंशन हमेशा करती हूँ, और इसी सोच से और इसी थॉट प्रोसेस से मैं सबको बोलती हूँ कि इसको चीज़ को बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने पर्सनली भी ये चीज़ें जो है महसूस करी हैं, देखी हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखी हैं, और जो क्लाइंट्स हैं, जो विक्टिम्स हैं जो आते हैं उनके साथ भी ये सब चीज़ें होते हुए देखा है। ओके, अंधविश्वास करो ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अननेसेसरीली कुछ चीज़ों को चैलेंज करना या कुछ चीज़ों के ऊपर शर्त लगाना कि हम सिर्फ देखेंगे कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, ये एक बेवकूफ़ी है। ओके, रिसर्च करने में, किसी चीज़ को फाइंड आउट करना एक डिफरेंट चीज़ है, और अननेसेसरीली कुछ चीज़ों को जो शायद एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, तुम्हारे साथ नहीं हुई है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ है। ओके, बहुत सी ऐसी रोड्स हैं स्पेशली हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में, जब तुम हाईवे पे ट्रैवल करते हो, जिनकी कुछ अपनी कहानियां हैं, और वो कहानियां सच्ची हैं, वो कहानियां बहुत लोगों से तुमने सुनी होंगी। ओके, तो उस समय तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर बाय चांस तुमको कोई चीज ऐसी कई बार दिखाई भी नहीं देती, तुम गाड़ी चला रहे हो अपनी रात के वक्त हाईवे पे, शायद तुम अकेले हो या तुम अपने पार्टनर के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, कभी तुम्हें गाड़ी में बहुत हैवीनेस फील होने लगती है सडनली। ओके, समथिंग वेरी क्रीपी, समथिंग वेरी अनयूजुअल, जिसको तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ऐसा लगता है कि हमारे साथ गाड़ी में कोई और भी चीज़ बैठी हुई है, हम सिर्फ अकेले नहीं बैठे, चाहे हम उस चीज़ को देख ना पा रहे हो, दैट्स फाइन, बट एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, हमारा इनर सेल्फ हमें बता रहा होता है कि हमारे अलावा कुछ और भी चीज़ है जो इस गाड़ी में है। तो जब कोई ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ और नेगेटिव एनर्जी हमें फील होने लगती है, तो सबसे पहले तो अगर दिमाग काम कर जाए तो क्या कर सकते हो, देखो ऑफकोर्स तुम पूजा पाठ तो वहाँ शुरू कर नहीं दोगे, अपने को तुम क्या बचाव के लिए सबसे पहले कर सकते हो, टू मेक योर सेल्फ स्ट्रांग, ठीक है, अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए, अगर हनुमान चालीसा का टेप तुम्हारे पास पड़ा है, हिंदूज के लिए मैं बात कर रही हूँ स्पेशली, वो उसको चला दो, हनुमान चालीसा चला दो, या कोई भी स्पिरिचुअल मंत्र हो, किसी भी रिलीजन के तुम हो, अगर तुम्हारे रिलीजन का कोई भी ऐसा पॉजिटिव मंत्र या चांट्स जो है वो है, उनको तो सबसे पहले तुम चला दो, और पॉजिटिव एनर्जीज को, डिवाइन एनर्जीज को याद करना शुरू कर दो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, डिसरिस्पेक्ट मत करना अगर कोई चीज़ तुम्हें दिखाई भी दे जाती है या सुनाई भी दे जाए या फिर तुम्हें महसूस भी कर जाए। ओके, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ कि इन चीज़ों को चैलेंज नहीं करना चाहिए, या रास्ते में अगर तुम्हें कोई पेड़ दिख जाए जिसके बारे में कोई कहानी थी, अब तुम सिर्फ उस जगह अगर ड्राइव करके सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि अरे उस बारे में कहानी सुनी थी, हम तो जाएंगे, हम तो वही सेम चीज़ करेंगे जो करने को मना की गई थी उस पर्टिकुलर रोड पे, और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम तो भूत प्रेत में विश्वास करते नहीं है, हम तो नेगेटिव एनर्जीज में विश्वास करते नहीं है। ओके, तो ऐसा मत करना, बिकॉज ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्या पता तुम्हें कुछ ना हो, क्या पता तुम्हें बहुत कुछ हो जाए। ओके, तुम्हें क्या पता कि वो चीज़ सच्ची है कि नहीं, अगर वो सच्ची नहीं है तो वो झूठी भी है कि नहीं, वो तुम यकीन से कैसे कह सकते हो। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको चैलेंज मत करो, उस पर्टिकुलर रोड पे तमाशा मत करो, रुक के गाड़ियां मत रोको वहां पे, और एक फन एक्टिविटी मत क्रिएट करो, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट फन। ओके, जैसे कहते हैं ना, ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव,
इस सिमिलरली ऐसे ये चीज भी है कि सुपरनैचुरल चीजों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए. अगर वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं भी करती है फॉर दैट मैटर, तो ज्यादा पढ़ा लिखा होने का एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, साइंस हर जगह डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कुछ चीजें जो होती है वो अनएक्सप्लेनेबल होती है. इट इज बेटर कि अपने को झुका के, सर झुका के, अगर कोई मंदिर है रोड पे बना हुआ है, कई बार तुमने देखा होगा हाई प्रोन एक्सीडेंट एरिया लिखा होता है बोर्ड्स पे. अब अगर देखा जाए, अगर ह्यूमन एरर भी है तो कुछ तो वहाँ नेगेटिव हो रहा है ना, कुछ तो वहाँ पे चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, एक दूसरे को बैंग कर रही हैं, या कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ क्रिएट तो हो रही है ना, चाहे सुपरनैचुरल ना आ रही हो, नेगेटिव एनर्जी तो किसी प्लेस में क्रिएट हो रही है. उस जगह पे कई बार लोगों ने मंदिर बना दिया होता है, समथिंग दैट स्लो डाउन. मंदिर बनाने का मतलब क्या होता है कि तुम जरा अपनी स्पीड स्लो कर लो गाड़ी की और वहां पे सर झुका के तब आगे बढ़ो. सो दैट्स अ वे ऑफ सेइंग कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ. ओके, जस्ट फॉर द ह्यूमन साइकोलॉजी, की मंदिर है तो इंसान थोड़ा स्पीड कम करेगा और तब गाड़ी चलाएगा. तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. ओके, तो हमेशा उस चीज को वहां से जोड़ना कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये जरूरी नहीं है. ओके, तुम्हारी लाइफ है एंड यू शुड बी रिस्पेक्टिंग योर लाइफ. ओके, तो ये चीज करना कभी भी हाईवेज और कहीं पे भी अगर तुमने ऐसी कोई कहानी सुनी है, उसको चैलेंज मत करना या उस पर क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत नहीं. नहीं भी बिलीव करते, जस्ट थिंक ओके फाइन, व्हाटएवर इट इज वी विल फॉलो दिस. और हॉन्टिंग रोड्स डेफिनेटली होती हैं पीपल. मैं बता दूं एक बात, ये सच बात है, तुम बिलीव करो या ना करो, हॉन्टिंग रोड्स होती हैं. कई बार तुम्हें मिसगाइड करने के लिए भी जब एंटिटीज होती हैं, ऐसी ऐसी चीजें रोड पे होती हैं जो मैं तुम्हें अगर बताने पे आऊं तो पता नहीं कितना लंबा वीडियो बन जाए. ओके, सो ये चीजें खुद भी मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, तो मैं पूरे यकीन के साथ बता रही हूँ, विश्वास के साथ बता रही हूँ. कई जगह ऐसी वाकई में है कि बहुत डेंजरस है, तुम्हें लिटरली कई बार एंटिटीज दिखती हैं और तुम्हें राइट लेफ्ट तक का साइन देती हैं. समझ रहे हो, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, तुम्हारे साथ नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसी रोड्स के साथ खिलवाड़ नहीं. और अगर तुम्हें कोई बाई चांस ऐसा कोई दिखती है चीज, तो गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, या उसको हम देखेंगे अरे ये तो कोई अभी हमारी गाड़ी के सामने आया था, ये चीज गायब कैसे हो गई. नो, डोंट डू दैट, वो खेल मत खेलना कभी. ओके, और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो गया है कि तुम कहीं गए थे और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ उसके बाद नेगेटिव चीजें होनी शुरू हो गई हैं, या तुम गाड़ी में जब भी बैठते हो तुमको लगता है कि कोई और भी हमारे साथ बैठा है, तो तुम अपनी केस स्टडी करा सकते हो, जो कि पेड सर्विस है, और उससे पता चल जाएगा तुम्हें डायग्नोसिस में कि तुम्हारे साथ कोई चीज कहीं आ तो नहीं गई है किसी रोड से या किसी हाईवे में बैठ के तुम्हारी गाड़ी में, कोई नेगेटिव एनर्जी साथ में तो तुम नहीं लेके आ गए हो. ओके, तो इतना ही मैंने बताना था इस वीडियो में, और अब मैं नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक लेके आऊंगी. टिल देन, गुड बाय.